सरकार चैप्टर नंबर सेवन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड ईसीओ दिल थाम के सेक्शन नाइन थ्री नाइन फोर नाइन फाइव सर और कॉरेस्पोडिंग सेक्शन फाइव थ्री फाइव फोर फाइव फाइव ऑफ द आईजीएसटी एक्ट सुनना सेक्शन नाइन सब सेक्शन थ्री क्या बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेश जीएसटी काउंसिल नोटिफाई सर्ट इन गुड्स और सर्विस और बोथ जहां पर

जो पर्सन फ्रेड पे कर रहा है जो पर्सन फ्रेड पे कर रहा है भले वो कंजैनर हो या कंजानी हो जो पर्सन फ्रेड पे करने के लिए है वो पर्सन अगर इन सेवन कैटेगरी ऑफ पर्सन में से कोई एक पर्सन पर्सन है तो जो पे करेगा वही क्या पे करेगा जीएसटी पे करेगा सुनना बच्चों ध्यान से जो पर्सन फ्रेड पे करेगा वही क्या पे करेगा जीएसटी पे करेगा वो सात लोग कौन कौन से फर्स्ट रजिस्टर्ड फैक्ट्री फैक्ट्रीज एक वेदर रजिस्टर्ड नॉट इंक्लूडिंग एओपी बॉडी कॉर्पोरेट सर कैजुअल टेक्सल पर्सन और एनी अदर पर्सन हुइज रजिस्टर्ड इन जीएसटी अगर इस सेवन कैटेगरी पर्सन है जो फ्रेड पे कर तो रिवर्स पर इन सात लोगों के अलावा किसी और को सर्विस दी जीटी ने तो टैक्स ही क्या है एग्जेमट है प्लस प्लस इन सात लोगों को सर्विस दी पर यहां पर जीटी का ऑप्शन है कि वो फाइव परसेंट टैक्स वाला ऑप्शन लेता है या ट्वेल्ल परसेंट टैक्स वाला ऑप्शन लेता है अगर उसने ट्वेल्व परसेंट टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया है तो वह रिवर्स चार्ज नहीं है वह फॉरवर्ड चार्ज है वह जीटी खुद टैक्स पे करेगा फाइव परसेंट वाला ऑप्शन है तो रेसिपेंट टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में यह सात केस में सात के अलावा कोई और तो टैक्स एक्जाम परसेंट हो या फाइव सब केस में एक्जाम्पल इन सात के अलावा किसी और पर्सन को सर्विस दी तो और हा अगर रेसिपेंट रेसिपेंट है सर गवर्नमेंट एंटिटी है सर या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी का डिपार्टमेंट है लोकल अथॉरिटी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ओनली फॉर दी पर्पज ऑफ पेइंग टीडीएस टैक्स एट सोर्स केवल टीडीएस के, के पर्पज के लिए रजिस्टर्ड है किसी और पर्पज के लिए रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे केस में अगेन जीईटी ने सर्विस दी उस

सर एक्सिमस लिमिट से अबो था तो ऐसे केस में टैक्स लगता है रो भी रिवर्स चार्ज लगता है और दैट इज बिजनेस एंटिटी शेल बी लाइबल टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट डायरेक्टली क्लियर सरकार अब ध्यान देना बेटा गवर्नमेंट सर्विसेज एनी सर्विस प्रोवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्टेट यूनियन या लोकल अथॉरिटी टू एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंडिटी तो में सर टैक्स एग्जिमिट होता है एक्सेप्ट तीन सर्विस बेटा ध्यान है लिस्ट बता दो मैं आपको बेटा सर्विसेज दी गवर्नमेंट किसको किसी भी पर्सन को कौन सी सर्विसेज बाय चार केस में टेक सकता है बेटा एनी सर्विस प्रोवाइड फॉलोइंग फोर इन चार केस में है कौन कौन सी बेटा सर सर्विसेज बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट पोस्ट सर्विसेज सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज टू एनी पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी बेटा सेकंड सर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विसेज थर्ड सर सर्विस इन रिलेशन टू फैसलिया एयरक्राफ्ट और फोर्थ

या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को तो ऐसे केस में बिजनेस फैसिलिटी जो कम, जो अपना फीस चार्ज किया हो उसके लिए बैंकिंग कंपनी लाइबल टैक्स पे करने के लिए रिवर्स चार्ज में देन सर आरबीआई सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के अगर आप सर आरबीआई ने एक बॉडी बनाई बेटा

उन्होंने सर्विस दी किसको बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंक्लूडिंग एनबीएफसी को तो ऐसे केस में दैट बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी से बी लाइबल टू पे जीएसटी टू दी गवर्नमेंट डायरेक्टली पर वो जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है दैट शुड बी एन इंडिविजुअल वो क्या होना चाहिए बेटा इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होना चाहिए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट या अदर देन पार्टनरशिप फम बेटा हाँ ना बच्चों क्लियर तो ऐसे केस में रिवर्स में बैंकिंग कंपनी टैक्स पे करेगा रिवर्स में बेटा ओके सरकार देन मत दी क्या सर बिल्डर प्रमोटर वाला अगर सोसाइटी ने या किसी भी पर्सन ने डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किए ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट इंक्लूडिंग फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किया है तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज में प्रमोटर लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए देन सर सोसाइटी ने किसी भी पर्सन ने लॉन्ग टर्म लीज पे प्लॉट दिया है थर्टी ईयर्स एंड मोर देन थर्टी ईयर्स के लिए प्लॉट दिया कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के लिए किसको बिल्डर को प्रोमोटर को तो ऐसे केस में जो ऑफरेंट अमाउंट करेगा बिल्डर भले वो इन दी फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस करे या मनी में करे या पीरियडिकली पेमेंट कर रहा है तो उस पर भी अगेन रिवर्स चार्ज जो में प्रमोटर लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए बच्चों अरे क्लियर देना है क्या सर ओरिजिनल लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क सर कॉपीराइट कॉपीराइट इन केस ऑफ ओरिजिनल लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क के केस में जो पब्लिशर है म्यूजिक कंपनी है कंपोजर है वो लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए पब्लिशर होगा टैक्स पे करने के लिए में जो भी रॉयल्टी उसने दिया है किसको ऑथर को म्यूजिशियन को आर्टिस्ट को बेटा क्लियर पर ऑथर के केस में पब्लिशर के केस में एक अमेंडमेंट किया था लास्ट टाइम और वहां बोल दिया क्या ऑथर के केस में ऑप्शन दे दिया ऑथर को कि वो चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज मैके खुद टैक्स पे कर दे और सर उसका जुडिश जो कमिश्नर है उसको एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में इंटीमेशन देगी डिक्लेरेशन दे, दे, दे मैं फॉरवर्ड चार्ज में खुद टैक्स पे करूंगा और जो इन्वर्स राइस करेगा उसमें भी डिक्लेरेशन देगा कि मैं इसमें फॉरवर्ड चार्ज में खुद टैक्स पे कर रहा हूँ रिवर्स चार्ज में पब्लिशन लाइबल नहीं होगा बेटा हाँ ना तो ऐसे केस में केवल और केवल ऑथर केस में अरे माहौल मंगल क्लियर पब्लिशन लाइबल नहीं होगा अदरवाइज रिवर्स चार्ज में पब्लिशर लाइबल होगा बेटा अरे क्लियर ओके सर इंश्योरेंस एजेंट के केस में इंश्योरेंस कंपनी लाइबल होगी अरे रिकवरी इंश्योरेंस एजेंट जो सर्विस देता है कमीशन मिलता है बेटा कमीशन पे इंश्योरेंस कंपनी खुद टैक्स पे करेगी देन बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट गुंडे वसूली भाई वसूली भाई को जो वसूली के लिए कमीशन मिलता है उस कमीशन पे बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी टैक्स पे करेगा क्योंकि साहब रिकवरी एजेंट से टैक्स रिकवरना बहुत मुश्किल होगा दो ऑफिसर जीएसटी ऑफिसर उनसे रिकवरी करने के वापस आए नहीं बेटा क्लियर इसलिए इसमें रिवर्स लिया है माहौल सर देन है क्या सिक्योरिटी सर्विसेज supply of security सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल सर्विस टू अ बॉडी कॉर्पोरेट टू सॉरी टू एनी पर्सन हुजिस्टर्ड इन जीएसटी आई रिपीट सर सिक्योरिटी सर्विस कौन सी? supply of security personal to any person who is registered in GST. तो ऐसे इसमें रिवर्स चार्ज लगेगा और रेसिपेंट जो रजिस्टर्ड जीएसटी वो टैक्स पे करेगा पर जो सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है दैट पर्सन शुड नॉट बी ए बॉडी कॉर्पोरेट अगर वो खुद बॉडी कॉर्पोरेट है तो खुद टैक्स पे करेगा वहां रिवर्स चार्ज नहीं है और हाँ यहाँ दो एक्सेप्शन दिए अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड जीएसटी में तो टैक्स पे करेगा पर दो एक्सेप्शन है फर्स्ट अगर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर टेन मतलब उसने कम्पोजन स्कीम ली हुई है तो ऐसे वैसे भी छोटा डीलर है बेटा रिवर चार्ज लगाएंगे उसमें फॉरवर्ड चार्ज लगेगा सेकंड अगर रेसिबेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरेटरी या लोकल अथॉरिटी का डिपार्टमेंट है या लोकल अथॉरिटी है या गवर्नमेंटल एजेंसी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ओनली फॉर द दर्पज ऑफ डिडक्टिंग टी डी एस अंडर जीएसटी और किसी और -पर्पस के लिए अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे केस में अगेन वहां रिवर्स चार्ज नहीं है सिक्योरिटी सर्विस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा बच्चों क्लियर देन आता है क्या पॉइंट सर रेंटिंग ऑफ मोटर वाइकल बच्चों ना इसकी लैंग्वेज चेंज करिए अभी अमेंडमेंट हुआ नवंबर ट्वेंटी के लिए जुलाई ट्वेंटी में लैंग्वेज अलग थी नवंबर ट्वेंटी में लैंग्वेज चेंज करिए पर दोनों का मीनिंग एक ही बच्चों जो लैंग्वेज चेंज करी वो क्लैरिफिकेड एंसर का चेंज किया बेटा सर्कुलर भी दिया डिपार्टमेंट ने और उसने साफ साफ कह दिया क्या जो पहले वाली लैंग्वेज थी उसमें कुछ कंफ्यूजन थे इंडस्ट्री में डिस्प्यूट थे इसलिए हमने नई लैंग्वेज चेंज करी और रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबल है बेटा तो सुना बच्चों ध्यान से in the, uh, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स जहां पर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ दी इन चार्जेस चार्ज बाय दैट रेंटिंग वाला पर्सन वापस बोलता हूँ बेटा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल

12 परसेंट पे करने वाला ऑप्शन ले लिया रेंटिंग को मोटर व्हीकल सर्विस प्रोवाइड करने वाले पर्सन ने तो रिवर्स चार्ज नहीं है फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा सर रेंटिंग को मोटर व्हीकल में फाइव परसेंट और 12 परसेंट दो तो रेट है बेटा या तो होता है रेंटिंग को मोटर व्हीकल सर्विस देने वाला रजिस्टर्ड ही नहीं है या उसने फाइव परसेंट पे करने वाला ऑप्शन लिया तो रिवर्स चार्ज लगेगा अगर ऐसे में बड़ी कॉर्पेट है तो बेटा क्लियर और 12 परसेंट वाला ऑप्शन लिया तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज लगेगा रिवर्स नहीं लगेगा देन बॉडी कॉर्पोरेट शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट और सप्लायर ने 12 परसेंट जीएसटी पे करने वाला ऑप्शन नहीं लिया है सी जीएसटी सिक्स परसेंट ए जीटी सिक्स परसेंट आई जीएसटी तो ट्वेल्व परसेंट वाला ऑप्शन नहीं लिया है तो रिवर्स चार्ज है, और करने चार्ज ओके। देन आता है क्या सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विसेज माहौल सरकार सिक्योरिटी लेंडिंग के केस में जिसने सिक्योरिटी लैंड करी है उसने लैंडिंग फी चार्ज किया है बोरोवर से बेटा तो बोरोवर क्या करेगा

जीएसटी में रजिस्टर्ड तो वो टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेम में पर रेसिमेंट अगर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिमेंट है अगर रेसिमेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेम में उस आउट ऑफ इंडिया वाली वेबसाइट वाले को टैक्स पे करना पड़ेगा बेटा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा उसका बेटा क्लियर डन सर एक पॉइंट आपने सर देना आउट ऑफ इंडिया से कोई गुड्स इंपोर्ट किया तो शिपिंग कंपनी भी आउट ऑफ इंडिया की थी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल हो रहा है और उसको फ्रेट पे करने वाला भी आउट ऑफ इंडिया का पर्सन था बेटा तो सर्विसेज प्रोवाइड करी किसने शिपिंग कंपनी ने ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और वो कंपनी भी बार की थी बेटा और ऑफ सर्विस भी कहा था नॉन टेडी का था फ्रेट भी उस रेसिपेंट ने पे किया तो भी ऐसे केस में इंपोर्टर ऑफ गुड्स जो होगा जिसने गुड्स इंपोर्ट करी वो टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मेकेजम टैक्स चोरी के चांस थे यहां पे गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया रिवर्स चार्ज बोल दिया जो गुड्स का इंपोर्टर है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा उस फ्रेड के अमाउंट में बेटा क्लियर डन ये पूरा सेक्शन नंबर नाइन और फाइव थ्री होता है अब सेक्शन नंबर नाइन सर ये बोलता है क्या गवर्नमेंट के पास पावर है दिल थाम के सुनेगा गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिफाई कर सकते हैं और नोटिफाई करके बोल सकते हैं कि इन रजिस्टर्ड पर्सन की कैटेगरी ने किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से किसे पर्सन से नोटिफाइड गुड्स और परचेज किया तो वहां रेसिपेंट दट इज रजिस्टर्ड है वो अगर जिसको गवर्मेंट नोटिफाई कर दिया केवल नोटिफाइडर प्रमोटर को नोटिफाई किया बेटा सुनना सर गवर्नमेंट के पास पावर की बचाए तो कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन को नोटिफाई कर सकता, और कर कर बोल सकता है कि ये ने किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और बहुत परचेस किया तो रेपेंट जो रजिस्टर्ड करने लिए, directly, और सारे प्रोविजन ऑफ द एक्ट विल अपलाई ऑन द पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली और एट प्रेजेंट नोटिफाई किया है प्रमोटर को नोटिफाई किया बिल्डर को और प्रमोटर को बोल कि आपने कोई भी कैपिटल अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस कर लिया तो यहां नाइन फोर में कवर रिवर्स आजमेंट टैक्स पे करो सेकंड अगर आपने सीमेंट परचेस कर लिया किसी भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से किसी भी अनरजिस्टेड पर्सन से तो अगेन बिल्डर प्रमोटर लाइव होगा रिवर्स रिवर्समैकेज में और थर्ड इनके अलावा कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस अच्छा सर्विस में अदर देन ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इंडेक्स या लॉन्ग टर्म लीज ऑफ द प्लॉट बेटा इनको छोड़ के कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया किसने प्रमोटर ने क्लियर और इसकी जो परचेज है टोटल परचेज वो परचेज मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है कि आपका इतना मिनिमम कॉस्ट होना ही चाहिए परचेज का उससे अगर कम जाती है शॉर्टफॉल होती है तो जितना शॉर्टफॉल होगा मिनिमम रिक्वायरमेंट से उतने अमाउंट पर रिवर्स चार्ज मैक्रेसिम में प्रमोटर को पे करना पड़ेगा प्रमोटर को टेरिफ के नोटिफिकेशन बोला है कि आपका जो परचेज है उसमें एटलीस्ट एटी परसेंट रजिस्टर्ड से होना चाहिए बेटा अब 80 परसेंट से कम उसने अगर रजिस्टर परचेस किया तो जितना हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का बेटा 80 परसेंट से कम में क्लियर उतने शॉर्टफॉल पे बिल्डर प्रमोटर को टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज सर क्योंकि 80 परसेंट मिनिमम उसका रजिस्टर से परचेज होना चाहिए मान लो सेवेंटी ही परचेज किया रजिस्टर्ड से गुड्स और सर्विस मिला के क्लियर तो ऐसे परसेंट शॉर्टफॉल है सर्विस पे बेटा क्लियर डन माहौल सरकार यह था सेक्शन नाइन फोर और सेक्शन फाइव फोर ऑफ द आई जी एस टी एक्ट ओके सरकार सेक्शन नाइन सब सेक्शन फाइव और सेक्शन सब सेक्शन फाइव यह बोलता है ईसीओ वाला पॉइंट गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे में नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज केवल सर्विसेज बेटा है दे नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज और सर्विसेज को नोटिफाई करके बोल सकता है कि यह सर्विसेज अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी ये yes, सर्विसेज अगर आपने नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी तो ईसीओ शेल बी ट्रीटेड एज इफ इज सप्लायर ऑफ सच द सप्लायर ऑफ सच देखो ईसीओ यहाँ पे रेसिपिट नहीं है इसलिए इसको रिवर्स चार्ज नहीं बोलते बेटा सेक्शन नाइन रिवर्स चार्ज नहीं है सुनो बच्चों ध्यान से वापस रिपीट करता हूँ गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकता है नोटिफाई करके कर बोल सकता है कि यहाँ पे रेसीपी एंड शेल भी सॉरी नोटिफाई कर सकता है नोटिफाई करके कर बोल कर सकता है कि ये नोटिफाइड सर्विसेज अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी तो ऐसे केस में ई सी ओ शेल भी ट्रीटेड एज इफ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज और अगर वो ईसी सप्लायर ऑफ सर्विस है तो सारे प्रोविजन ऑफ द एक्ट उस पर लगेंगे और हाँ उसी पर लगेंगे और हाँ उसी पर लगेंगे मतलब तीन पॉइंट है अगर उस ई का फिजिकल फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है तो उसी पर प्रोविजन लगेंगे उसका फिजिकल प्रोविजन इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो इंडिया में है सारे प्रोविजन उस पर लगेंगे और टैक्स उसको पे करना पड़ेगा और अगर उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी इंडिया में नहीं है तो ही विल हैव टू तो अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन देयर बिहाफ ऐसे केस में टैक्स तो उन्हीं को पे करना पड़ेगा साहब क्लियर सप्लायर लाइबल नहीं होगा और वो तीन सर्विसेज कौन कौन सी है फर्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी मैक्सी कैब मोटर कैब और मोटरसाइकिल ओला उबर वगैरह सेकेंड होटल अकोमोडेशन सर्विस सर्विस इन गेस्ट हाउस क्लब केम साइड नेम वोड क्लियर अगर होटल ने सर्विज दिए थ्रूसी के होटल वालासन सप्लाइंग सच सर्विसेज इज लाइबल डोरेशन इन जीएसटी तो ऐसे केस में नाइन फाइव तो में, में कवर नहीं है और वो होटल वाला ही लाइबल को टैक्स पे करने के लिए एंड थर्ड सर हाउस कीपिंग सर्विसेज जैसे कार्पेंटर प्लम्बर एटसेट्रा उन्होंने सर्विसेज दिए थ्रू ईसी तो ऐसे केस में अगर नाइन फाइव में वो कवर होगा और ईसीू लाइबल होगा पर अगर अगेन कारपेंटर या हाउस कीपिंग सर्विस जो प्रोवाइड करा वो खुद अगर जीएसटी में लाइबल टू रेस्टर है तो वो खुद टैक्स पे करेगा वहाँ नाइन फाइव अपलाई नहीं होगा ये तीन सर्विस कवर है पर हाँ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी मैक्सी के मोटर केवल मोटरसाइकिल थ्रू ईसी के केस में हमेशा ईसी ओ होगा बेटा भले ही ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर करने वाला पर्सन जो सप्लायर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा क्लियर भारत माता की जय इसी के साथ चैप्टर नंबर सेवन खत्म होता है अब सेक्शन नंबर नाइन थ्री नाइन फोर नाइन फाइव एंड कॉरस्पोडिंग सेक्शन नंबर फाइव थ्री फाइव फोर फाइव फाइव ऑफ भारत माता की जय लव ऑल पढ़ते रहिए पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया थैंक यू